आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के अंदर इनपुट डिवाइसेस कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, कैसे वो काम करती है और कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एन इनपुट डिवाइस सेंड्स इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग कि हमारी जो इनपुट डिवाइस है वो कोई भी इनपुट डिवाइस हो इंफॉर्मेशन को सेंड करेगी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग के लिए और जो आउटपुट डिवाइस है वो रिप्रोड्यूस और डिस्प्ले करती है हमारे पास उस प्रोसेसिंग के रिजल्ट को। इनपुट डिवाइस ओनली अलाउ फॉर इनपुट ऑफ डाटा टू कंप्यूटर कि जो इनपुट डिवाइस है ये सिर्फ हमें यहाँ पर डाटा की इनपुट कंप्यूटर के अंदर अलाउ करती है और आउटपुट डिवाइस वो सिर्फ रिसीव करती है आउटपुट को किसी दूसरी डिवाइस से। इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करते हैं, एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डाटा टू अ कंप्यूटर अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद एंड कंट्रोल इट कि इनपुट डिवाइस का काम क्या है, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू ये आपके कंप्यूटर को डाटा भेजेगी और अलाउ करेगी कि हम यहाँ पर इस डाटा को इंटरेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन इनपुट डिवाइस सेंड इनपुट टू अ कंप्यूटर डिपेंड ऑन द डिवाइस अब जब हमारी कोई भी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करती है तो ये डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि डाटा किस तरह का जाएगा। एडिशनली ऑल इनपुट डिवाइस सेंड डाटा फ्रॉम द डिवाइस ओवर अ केबल और वायरलेस ट्रांसमिशन कि हो सकता है वो डिवाइस आपको केबल के थ्रू डाटा ट्रांसमिट करे या हो सकता है आपके पास वायरलेस ट्रांसमिशन हो। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में सबसे पहली डिवाइस आती है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज्ड विद अ कंप्यूटर कि कंप्यूटर कीबोर्ड आपकी एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस हम कंप्यूटर के साथ यूज करते हैं। सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कि एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की तरह ये काम करती है। कीबोर्ड के अंदर आपके पास बटन्स होते हैं जिसमें लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे, सिंबल्स होंगे और कुछ फंक्शंस होंगे। द मोस्ट कॉमन लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज क्वार्टर यहाँ पर हमारे पास जो मोस्ट कॉमन लेआउट है वो है QWERTY। ये नेम इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो आपके फर्स्ट सिक्स कीज है टॉप रो ऑफ कीबोर्ड की वो है QWERTY। अब की अरेंजमेंट के बेस पे चार आपके पास कीबोर्ड लेआउट होती है। एक है आपके पास AZERTY, एक QWERTY, एक QWERTZ और लास्ट है HCESA। द नंबर ऑफ कीज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कीबोर्ड। अब जो कीज है ये आपके कीबोर्ड के टाइप पे डिपेंड करती है कि किस तरह का आपका कीबोर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कहीं में आपकी 103 कीज होती हैं, कईयों में 104 होती है, कईयों में आपको 109 मिल जाएंगी, 126 मिल जाएंगी, 140 मिल जाएंगी, तो अलग अलग यहाँ पर सिक्वेंस हो सकता है। तो बेसिकली कीज हमारी कितने भी हों इनको हम पांच कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है अल्फा न्यूमेरिक कीज। जो अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं ये इंक्लूड करती है हर अल्फाबेट A to Z और न्यूमेरिक नंबर 0 to 9 जो मैंने आपको लेआउट के अंदर रिप्रेजेंट भी किया है 1 2 3 4 5 6 QWERTY ASD FG ZX CV। ये जो भी हमारा कॉम्बिनेशन है ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक कीपैड का है। दूसरा पोर्शन आता है न्यूमेरिक कीज और न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक की लोकेटेड होती है आपके कीबोर्ड की राइट साइड पे, इसको हम न्यूमेरिक कीपैड भी कह देते हैं। कीपैड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कीज जहां पर आप एक लोकेशन पे रिप्रेजेंट कर देते हो। टोटल 17 कीज इसके अंदर होती है और फंक्शन डिपेंड करते हैं इसके हमारी करंट एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिक कीबोर्ड का मैंने यहां पिक्चर रिप्रेजेंट किया है। इट इंक्लूड नंबर 0 to 9 नंबर्स कितने हो गए 10। मैथमेटिकल ऑपरेटर कितने हैं 4 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो 9 आपके 10 और 4 हो गए 14 और इसी तरह से नमलॉक की 15 जो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करती है आपके कीपैड को और इसी के साथ आपकी एंटर की। अब एंटर की हमारे पास हो गई 16 और एक होती है इसमें डॉट या डेल की जिसको हम यहां पर डिलीट के लिए भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो हम इसको एक डेसिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से फंक्शन की अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो इनकी बिनी होती है एफ के साथ F1 F2 F3 F4 हमेशा आपके कीबोर्ड के टॉप में ये रहती है और कुछ कॉमन यूज फंक्शंस की कि मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आप क्या क्या यूज कर सकते हो। F1 जो हेल्प स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है, F2 हाईलाइट करता है फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए, F3 ओपन करता है सर्च टूल को, Alt F4 क्लोज करता है करंट विंडो को, F5 रिफ्रेश करता है विंडो के ब्राउजर को और इसी तरह से आप F8 से बूट सिक्वेंस कर सकते हो। आपको सेफ मोड में चलाना है, नॉर्मली स्टार्ट करनी है जब आप स्टार्टअप करते हो। हर एप्लीकेशन के हिसाब से इसके यूजेस अलग अलग हो सकते हैं।
अब जैसे अगर हम बात करते हैं आपका शिफ्ट F10 की, तो वो राइट क्लिक का काम भी करता है। इसी तरह से हमारे पास नेविगेशन कीज जो आपके पॉइंटर को मूव करती है, कर्जर को मूव करती है स्क्रीन के अंदर। तो यहां पर हमारे पास 4 एरो कीज होती हैं, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड की। ये कीज आपकी नेविगेशन की कहलाती हैं। स्पेशल पर्पज की, कुछ कीज हमारी स्पेशल पर्पज के लिए यूज की जाती है और कई बार आप इसके फैमिलियर होते भी हो, कई बार नहीं भी होते हो। जैसे टैब करेक्टर मूव करता है आइटम को 5 करेक्टर, डिपेंड करता है आपके टास्क के ऊपर। शिफ्ट की, जब आप शिफ्ट की को प्रेस करते हो सेम टाइम के अंदर एक लेटर की के साथ, तो उसका अपर वर्जन चला जाएगा। और अगर आप नो लेटर की के साथ करते हो तो कुछ भी नहीं होगा। जब शिफ्ट को यूज करोगे किसी लेटर के साथ, तभी ये वर्किंग को परफॉर्म करेगा। कंट्रोल की, होल्ड डाउन करता है कंट्रोल की जब आप किसी आइटम को सिलेक्ट करते हो और अलाउ करते हो कुछ आइटम्स को एक साथ। जैसे मैंने किया कंट्रोल क्लिक एक फाइल, कंट्रोल क्लिक दूसरी फाइल, तो मैं दो फाइल्स यहाँ इकट्ठी यूज कर चुका हूँ। इसी तरह से कंट्रोल की को हम यूज करते हैं कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के लिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एन, इस तरह से। स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक का आप यूज तब करते हो जब आप एरो की को प्रेस करते हो स्क्रोलिंग के लिए। अब अगर मैं उस चीज़ को रोकना चाहता हूँ तो मैं यहाँ स्क्रॉल लॉक ऑन कर देता हूँ। इसको मैक्सिमम यूज़ नहीं किया जाता और कई एप्लीकेशन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। इंसर्ट, अगर हम इंसर्ट की बात करते हैं तो ये स्विच करता है दो मोड के अंदर। अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं, फर्स्ट मोड यहाँ पर है जहाँ पर टेक्स्ट अपीयर होता है कर्जर से पहले, और अगर मैं इसको पुश करना चाहता हूँ किसी भी टेक्स्ट को, तो वो उसके कर्जर के बाद आएगा राइट में। और सेकंड मोड होता है इसका ओवरराइट मोड, जहां पर हम रिप्लेस करते हैं किसी भी टेक्स्ट को किसी अदर टेक्स्ट के साथ। कैप्स लॉक की जो है ये हमारा फीचर एक्टिवेट करता है अपर केस और लोअर केस के लिए। अगर मैं कैप्स लॉक को ऑन रखता हूं तो जो मेरे करेक्टर है वो अपर केस के अंदर रिप्रेजेंट होंगे, अगर मैं कैप्स लॉक को ऑफ रखता हूं तो जो मेरे लेटर हैं वो लोअर केस के अंदर रिप्रेजेंट होंगे। अब कई बार हमारे पास क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है जहां मुझे मोर देन वन करेक्टर अपर केस में रिप्रेजेंट करने हैं, तो बजाय शिफ्ट के मैं वहां पर कैप्स लॉक का यूज कर सकता हूं। प्रिंट स्क्रीन का जो फंक्शन है आपका, ये कैप्चर करता है आपकी पूरी स्क्रीन की इमेज को। और वैसे ही अल्टरनेट की क्या करती है आपकी, यूज होती है इंटरनेशनल कीबोर्ड में जो स्पेशल करेक्टर कीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर आपके पास दो या दो से ज्यादा करेक्टर किसी की के प्रेस पे हो। अब अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ सेम टाइम पे किसी लेटर या करेक्टर के साथ, तो ये कुछ स्पेशल करेक्टर भी आपको प्रोड्यूस कर सकती है। कई जगह हम इसको शॉर्टकट के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है हमारी माउस। जो कंप्यूटर माउस है ये हैंड हेल्ड हार्डवेयर है इनपुट डिवाइस, जो कंट्रोल करता है कर्जर को ग्राफिक यूजर इंटरफेस के अंदर और मूव करता है किसी टेक्स्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। अब अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर की मैं बात करता हूं, तो जो माउस है वो आपका फ्लैट सरफेस के अंदर चलाया जाता है। आप माउस पैड का यूज कर सकते हो, आप डेस्क का यूज कर सकते हो आपके कंप्यूटर के फ्रंट में। अब कंप्यूटर के अंदर अगर माउस फंक्शन की बात करते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। कर्जर को मूव करने का काम करता है, ओपन और एग्जीक्यूट कर सकता है किसी प्रोग्राम को। मैंने डबल क्लिक किया, मेरी फाइल ओपन हो गई, डबल क्लिक करता हूं, मैंने किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन कर दिया। एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी वो फाइल होती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर के सेटअप फाइल्स होती हैं। तो अगर मैं कुछ इंस्टॉल करना चाहता हूं तो मुझे एग्जीक्यूटिव फाइल ही यूज करनी पड़ती है, जिसको हम .exe भी कहते हैं। हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। ओवर का इफेक्ट है यहाँ पर कि मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्जर लेकर गया और उसने मुझे डिजायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दी। स्क्रॉल, मैं बार बार एरो की को प्रेस नहीं करना चाहता तो मैं माउस के थ्रू स्क्रॉल कर सकता हूँ। कुछ और फंक्शंस भी ये परफॉर्म कर देता है। आप अगर हम बात करें तो कई फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें दो साइड में बटन होते हैं और एक आपका थंब पोर्शन होता है माउस का। और कई माउस आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास आपकी जो ट्रैक बोला वो साथ ही साथ होती है। अब कंप्यूटर माउस पोर्ट की हम किस किस तरह के कंप्यूटर माउस को यूज करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इमेज दिखाई है ब्लूटूथ की, मोस्ट कॉमनली आप यूज करते हो। ब्लूटूथ डिवाइस है, आप माउस को उसे रन कर सकते हो। फिर आता है इन्फ्रारेड माउस, आपके वो होते हैं जिनके नीचे लेजर जलती है। इसी तरह से PS2 माउस, आप अगर शेप्स में देख रहे हो तो आपको शेप्स में यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो PS2 माउस है वो आगे से आपका अराउंड शेप में है। और इसी तरह से सीरियल पोर्ट आपको एक अलग लेआउट रिप्रेजेंट कर रहा है, और USB आपका USB की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैक बॉल। देखिए, ट्रैक बॉल भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही काम करती है, लेकिन यहां पर क्या है कि माउस की बजाय आपके पास एक ट्रैक बॉल होती है और आप उसको थंब और फिंगर के साथ मूव कर सकते हो। मैक्सिमम ये डिवाइस आपको आउटपुट इनपुट के तो लिए लैपटॉप्स में मिल जाती है, आई बॉल के फोन्स के अंदर ये डिवाइस आया करती थी। अब ट्रैक बॉल के पास आपके पास यहाँ पर कम स्पेस चाहिए होता है, रिस्ट मोशन के थ्रू आप काम कर सकते हो और आपके पास लेस स्ट्रेसफुल वर्किंग होती है फिर किसी भी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। जो फर्स्ट ट्रैक बॉल है
वो डिवाइस करी थी आपकी रेलेफ बेंजामिन ने 1946 के अंदर, जिसको हम रोलर बॉल के नाम से जानते थे, और इसको हम मिलिट्री रडार को प्लॉट करने के लिए यूज किया करते थे। स्पेस बॉल एक ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है जो यहां पर फिक्स सेफियर बॉल की तरह काम करती है। अब देखने में देखिए आपको ये ट्रैक बॉल की तरह लग रही है, लेकिन नहीं, ये जो बॉल है ये एक सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, आपको वो मूव करना है, उसके हिसाब से काम होगा। तो सिक्स डायरेक्शन ये लेती थी और आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को पोजीशन प्रोवाइड करने के काम करती थी, और मैक्सिमम यहाँ पर 3D स्पेस के लिए इसको यूज करते थे। जॉयस्टिक है ये आपकी इनपुट डिवाइस है, मेनली हम यूज करते हैं इसको गेम्स के अंदर, ताकि कर्जर और पॉइंटर को ये मूव कर सके। द पॉइंटर कर्जर मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द मैन्यूवरिंग अ लेवर ऑन द जॉयस्टिक। द इनपुट डिवाइस इज मोस्टली यूज्ड टू गेमिंग एप्लीकेशन के अंदर यूज किया जाता है, और कई बार हम इसको ग्राफिक एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर लेते हैं। और हेल्पफुल है ये आपके पास जो मूवमेंट डिसेबल पर्सन होते हैं उनसे इजिली मूवमेंट करवा सकता है किसी भी वर्किंग को परफॉर्म करवाने में। तो जॉयस्टिक मोस्टली यूज की जाती है जब आपको डायरेक्ट पॉइंटिंग करनी हो किसी भी प्रिसाइज फंक्शन के अंदर। लाइट पेन आपका पेन की तरह होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं सेलेक्ट करने के लिए एक डिस्प्लेड मेन्यू आइटम को, जो पिक्चर ड्रॉ कर देता है मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पर हमारे पास फोटो सेल्स और ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस होता है स्मॉल ट्यूब के अंदर। तो जब हम इसकी टिप्स को मूव करते हैं मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, पेन बटन प्रेस होता है और प्रोटोकॉल यहां पर जो है वो एलिमेंट डिटेक्ट करता है स्क्रीन लोकेशन को, और उसके कोरस्पोंडिंग सिग्नल आपके सीपीयू को पास कर देता है। तो यूज किस लिए किए जाते हैं? कैन बी यूज एज अ इनपुट कोऑर्डिनेट पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी अरेंजमेंट। अगर हम नेसेसरी अरेंजमेंट कहीं करना चाहते हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेट पोजीशन दे सकते हैं। अगर बैकग्राउंड कलर आपका कुछ ऐसा है जो आपको रिप्रेजेंट नहीं करने दे रहा वर्किंग को, तो लाइट पैन को हम एक लोकेटर के तौर पर यूज कर लेते हैं। और इसी तरह से आपके पास स्टैंडर्ड पिक डिवाइस है मैनी ग्राफिक सिस्टम के अंदर। फिर हम आते हैं डिजिटलाइजर के अंदर। डिजिटलाइजर जो है ये एक ऑपरेटर इनपुट डिवाइस है जो कंटेन करते हैं लार्ज और स्मूथ बोर्ड के अंदर, और सिमिलर है आपके पास यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड की तरह मशीनिकल, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस के तौर पर ये काम करता है। तो जब भी कोई इसके सरफेस पे चेंज किया जाएगा वो वर्किंग आपको सामने रिप्रेजेंट करके शो कर देता है। वर्किंग करता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर, और ये कोऑर्डिनेट एंटर करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर और स्टोर होते हैं ऑफलाइन स्टोरेज मीडियम में। तो वो आपकी मैग्नेटिक टेप भी हो सकती है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसकी? ड्राइंग इजीली चेंज कर सकते हो, प्रोवाइड करता है कैपेबिलिटी इंटरेक्टिव ग्राफिक के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? काफ़ी कॉस्टली है और सिर्फ आपके पास हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स के अंदर ही वर्किंग को परफॉर्म करता है। टच पैनल का यूज मैक्सिमम आपने किया, आप मोबाइल्स के अंदर यूज करते हो, आप ATMs के अंदर यूज करते हो, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो वहां पर आपको टच पैनल्स मिलते हैं। आपके पास ये टच स्क्रीन्स हैं और आप टच मॉनिटर हैं जो यहाँ पर आपको अलाउ करते हैं कि कंप्यूटर को हम डायरेक्ट टच करके वर्किंग परफॉर्म करवा सके। आजकल तो टच स्क्रीन आपके पास लैपटॉप आ चुके हैं, तो इंटरनल सेंसर्स के थ्रू ये आपकी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं उस कमांड को विजिबल फंक्शन के लिए। एडवांटेजेस क्या क्या है? टच स्क्रीन डिवाइस हैव लिमिटेड बटन्स, यहाँ लिमिटेड बटन होते हैं जो ब्रेक आपके 3 या 4 साल के अंदर होते हैं। और टच स्क्रीन कहते हुए डिवाइस जो यूजुअली है वो मोर सिंपल यूजर इंटरफेस है, जैसे आईपॉड एप्स का आप यूज करते हो। इसी तरह से आपके पास बटन ना के बराबर है, मतलब हम यहाँ पर कोई भी वर्किंग बिग स्क्रीन पे कर सकते हैं। फॉर द पीपल वरिड अबाउट हाइजीन, मोस्ट डिवाइस आर इजी टू क्लीन, आपको क्लीन करना इजी है, डस्ट रेजिस्टेंस होती है। अब आपको कई बार क्या होता है कि अगर आप टच पैनल पे काम करना भी चाहते हो तो आपको उसको डस्ट से प्रूफ रखना पड़ेगा, तो इसलिए हमें उसको क्लीन भी रखना है। और फ्यू पीपल न्यू और अनकंफर्टेबल विद नॉर्मल डेस्कटॉप, कि कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे हम न्यू यूजर्स की बात करते हैं, तो वो टच स्क्रीन के थ्रू इजीली काम कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है कि स्क्रीन आपकी कई बार काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और टच बटन आपको पता नहीं लगता कि कहां पर काम कर रहा है। वही जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि आपको थोड़ा सफाई रखनी है उसकी, वो ठीक काम करेगा। इसी तरह से अगर बड़ी ब्राइट स्क्रीन्स आपके पास हैं तो यहाँ पर मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए उसको रन करने के लिए, यानी कि आपके पास इनकी बैटरी लाइफ काफी लो होती है। डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर इसको खराब कर सकती है, क्योंकि आपको रीड करना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर टच स्क्रीन डिवाइसेस की हम बात करते हैं तो ये क्रैश हो सकती है, और अगर ये क्रैश हो गई तो फिर उसके लिए आपको पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ता है। इसी तरह से जल्दी गंदी हो जाती है, और इसी तरह से हम यहाँ पर अगर कहीं पर इन डिवाइसेस को यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको नियर अबाउट से ही कर सकते हैं, हमारा हाथ उसकी पहुँच में होना चाहिए, और कॉस्ट इसकी ऑर्डिनरी डिवाइस से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो स्कैन करता है डॉक्यूमेंट को, फोटोग्राफ भी हो सकती है, पेज भी हो सकता है टेक्स्ट का,
जब डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मिल जाता है हमें डॉक्यूमेंट का। तो कई स्कैनर आपके ऐसे होते हैं जो फ्लैटेबल होते हैं, मैंने आपको इमेज के अंदर दिखाया भी है कि फ्लैटेबल स्कैनर आपके कैसे होते हैं, और मैक्सिमम हम इन्हीं को यूज़ करते हैं। ये फ्लैट स्कैनिंग सरफेस को फॉलो करते हैं और आइडिया ये आपका फोटोग्राफ, मैगजीन, डॉक्यूमेंट्स के लिए अच्छा है। अब कई फ्लैटेड स्क्रीन आपके पास कवर के साथ होती है कि उसके अंदर आप कहते हैं पूरी बुक को भी, ऑब्जेक्ट को भी स्कैन कर सकते हैं। और दूसरा टाइप जो है स्कैनर का है वो है शीट फेड स्कैनर। ये आपके एक्सेप्ट करते हैं सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट को, इसके अंदर आप बुक को नहीं कर सकते। शीट फेड स्कैनर यहाँ पर बुक नहीं स्कैन करेंगे। कुछ मॉडल यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट फीडर होते हैं, जिसको हम ADF कहते हैं, और ये अलाउ करते हैं मल्टीपल पेजेस को स्कैन करने के लिए सिक्वेंस के अंदर। माइक्रोफोन वो डिवाइस है जो यहाँ पर कैप्चर करती है ऑडियो, उसको कन्वर्ट करती है साउंड वेव के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, और ये सिग्नल आपके एम्पलीफाई करते हैं एनालॉग सिग्नल के थ्रू और कन्वर्ट कर सकते हैं हम इनको डिजिटल सिग्नल के अंदर। तो ये आपके प्रोसेस किए जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू अदर डिजिटल ऑडियो डिवाइसेस में, और जैसे ही आप यहाँ पर ऑल माइक्रोफोन और माइक्स को सर्व करते हो सेम बेसिक्स फंक्शन के अंदर, तो ये कैप्चर करते हैं ऑडियो को सेवरल डिफरेंट वेज के अंदर। अब मल्टीपल क्लासेस माइक्रोफोन की आपकी एग्जिस्ट करती है, और तीन कॉमन टाइप यहाँ पर आपके डिस्क्राइब है माइक्रोफोन। तो सबसे पहले आते हैं डायनेमिक माइक्रोफोन, जो आप मैक्सिमम देखते हो, मैंने आपको इमेज भी दिखाई है कि डायनेमिक आपके कैसे होते हैं। डायनेमिक माइक्रोफोन आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड माइक्रोफोन। दे हैव अ सिंपल डिजाइन दैट इंक्लूड अ मैनेजमेंट रैप बाय मेटल कॉइल। तो यहाँ पर जो आपकी मैग्नेट है वो रैप की जाती है आपकी मेटल कॉइल के साथ। थिन शीट कॉल्ड अ डायफ्राम इज प्लेस ऑन द फ्रंट एंड ऑफ द मैग्नेट। अब फ्रंट एंड के अंदर आपकी एक टाइम थिन शीट लगी होती है, वो ट्रांसमिट करती है वाइब्रेशन आपकी साउंड वेव की कॉइल के अंदर। ये कॉइल ट्रांसफर करती है इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर, जिससे आप साउंड यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पास करते हो। तो सिंपल डिजाइन होता है। उसी तरह से कंडेंसर माइक्रोफोन की अगर हम बात करते हैं, तो इनको हम ऑडियो रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग पर्पज में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें साउंड नॉइस आपकी खत्म हो जाती है। दे आर नोन फॉर देयर सेंसिटिविटी एंड फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ईच कंडेंसर माइक्रोफोन इंक्लूड फ्रंट प्लेट, इसमें एक फ्रंट प्लेट लगी होगी और एक आपकी बैक प्लेट होगी। जब साउंड वेव आपकी हिट करेगी तो ये वाइब्रेट करेगा, अलर्ट करेगा डिस्टेंस आपके दो प्लेट के अंदर का, और चेंज आपके ट्रांसमिट होंगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर, और डायनेमिक माइक्रोफोन के तरह ही आप इनके अंदर कंडेंसर जो है रिक्वायर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर। अब यहाँ पर करंट प्रोवाइड किया जाएगा इंटरनल बैटरी के थ्रू, लेकिन कहीं आपके ऐसे हैं जिसके अंदर 48 वोल्ट आपके फैंटम पावर होते हैं जो एक्सटर्नल आप मिक्सिंग कंसोल से ले सकते हो। ये कंडेंसर माइक है आपके, आपको यहाँ पर कंडेंसर दिख रहे हैं साइड्स के अंदर। इसी तरह से रिबन माइक्रोफोन को हम यहाँ पर हाई फिडेलिटी के लिए भी जानते हैं, और ये कंटेन करते हैं यहाँ पर एक रिबन एल्युमिनियम का, ड्यूरेलियम का नैनो फिल्म, जो आपके पास सस्पेंडेड करती है माइक आपकी मैग्नेटिक फील्ड को। इनकमिंग साउंड वेव यहाँ पर आपके रिबन से वाइब्रेट करती है, जनरेट करती है वॉल्यूम को, और उसको आपके पास वाइब्रेशन को स्टोर करती है साउंड्स के अंदर। वोल्टेज ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, और ये इजीली रिवन माइक्रोफोन जो है रिक्वायर है ट्रांसफार्मर को, ताकि आपके पास आउटपुट वोल्टेज आपकी इंक्रीज हो सके। तो ये हमारी यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेज है जो हमने यूज़ की है। जैसे हम जॉयस्टिक की बात कर रहे थे, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, इसी तरह से आपके पास आप टैबलेट या डिजिटलाइजर कहते हो, टच स्क्रीन है, बारकोड रीडर है, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।